देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ऐसे रीजनिंग, देखिए अंडर रूट में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 10 का क्यूब तक संख्या है, तो जिसका आप मान कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहली बात है। तो आप क्या 1 का 2 का 3 का 10 तक का क्यूब करोगे, फिर उसका योग करोगे, फिर उसका वर्गमूल निकालोगे, कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसकी दोस्तों एक शॉर्टकट ट्रिक है कि जैसे लास्ट की संख्या कितनी 10 है, तो ये 10 लिख दिया, इसके बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, 11 आएगी, इसके जस्ट अगली संख्या कौन सी आएगी, 11, ये 10 और 11 लिख कर 2 का भाग लगा दो, तो 2 का भाग लगाएं तो 2 5 10, 11 5 55, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। आपको इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया? हाँ आ गया, देखो आ गया। इसी प्रकार अगला देखिए, इसमें 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, मैं आपको यहाँ से 1 से लगा के 4 तक का बता देता हूँ। देखो जैसे कि ये रूट लग रहा है ना, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। अब इसका मैंने आपको आंसर क्या दिया कि जिस लास्ट में 3 है तो अगली संख्या कौन सी होगी, 4, 2 है, 2 से काटा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसका आंसर कितना आ रहा, 6 आ रहा है, ठीक है। अब आपके इसका आंसर 6 आता है कि नहीं आता देख लेते हैं। देखो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, है ना, प्लस 2 का क्यूब कितना होगा, 4, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 होती है 27, सॉरी 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, तो 8 ने 9 और 27 9 36, रूट में कितना आएगा, 36, और 36 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 6, तो ये 6 अपने आया और ये 6 पहले भी आ चुका था, यानी कि इतनी मेहनत के बाद 6 उत्तर आया। यहाँ 3 × 4 करा, 2 × 4 2 3 6, 1 सेकेंड में आंसर आ गया, है ना। तो इसी तरह आप अगला संख्या देख लेते हैं। देखिए अगली संख्या 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 20 तक है, तो दोस्तों लास्ट संख्या कितनी अपनी, 20 है, 20 की अगली संख्या कौन सी होगी, 21 होगी, किसका भाग लगाना है, 2 का, 2 का भाग लगाएं तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 का इसमें गुणा करें तो 210 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 100 का क्यूब तक है, तो 100 के बाद अगली संख्या क्या होगी, ये तो 100 अपनों ने लिख दिया, अगली संख्या होगी 101 होगी, बटा कितना आएगा, 2, 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 50, 50 का गुणा करेंगे तो 50 एकम 50 और 50 एकम 50, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने एक प्रश्न और रख रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस और 50 का क्यूब बराबर क्या आंसर आएगा, ज़रा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।